स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ बीहाइव बुक विच इज़ द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगी। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एक एवलिन ग्लैनी है जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो साउंड को सुनती हैं वो भी बिना सुने। तो वो कैसे सुनती हैं ये हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं इस पार्ट के, तो आप उसे डाउनलोड कर ले। बहुत ज़्यादा इजी नोट्स हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो बिफोर यू रीड, यहाँ पे रीडर के लिए एक हमें बहुत अच्छा नोट दे रखा है, उसे हमें पढ़ना है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। तो क्या हुआ, गॉड ने अगर उसकी जो मतलब एवलिन ग्लैनी है उनकी अगर हियरिंग पावर ले ली है, मतलब वो डेफ दिखाई है इसमें, वो सुन नहीं सकती हैं, वो क्या है डेफ। ओके, सो शी इज़ डेफ, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट गॉड ने उन्हें क्या दिया, अगर उनकी हियरिंग पावर ले ली तो उन्हें समथिंग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ दे दी। वो क्या है, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो क्या करती हैं, फील करती हैं। ओके, क्योंकि जो डेफ लोग होते हैं वो फील करते हैं क्योंकि उन्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम तो सिर्फ सुनते हैं लेकिन वो फील करती हैं और उसे बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं ये लोग जो डेफ होते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए ही उन्होंने क्या करा, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा कैसे एक्सप्रेस करा, ब्यूटिफुली। ओके, सेकेंड क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन। हम ये अकाउंट मतलब ये पूरा उनका एक तरह से बायोग्राफी सी दे रखी है इस चैप्टर में, शॉर्ट बायोग्राफी। वो फॉट मतलब होता है फाइट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। उन्होंने क्या करा, वो डेफ बनकर अगर किसी को अगर डेफ होता है तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार देते हैं अपने आप को फिजिकली इम्पेयर्ड समझकर। पर उन्होंने क्या करा, अपनी इस डेफनेस से लड़ाई करी और अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को हराया और क्या करा, मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी, और अपनी लाइफ को क्या बनाया, सक्सेसफुल स्टोरी बनाया और दूसरे लोगों के लिए मोटिवेट करा। कैसे, बिकॉज ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, हम आगे जब पढ़ेंगे इसे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, हम फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे। वो क्या है, रश आर क्राउस जॉजल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ये जो स्टोरी शुरू करी है ये एक प्लेटफॉर्म दिखाया है ट्रेन का, जिसमें एवलिन ग्लैनी होती हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। उसमें क्या दिखाया है हमें कि रश आर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, और क्या होते हैं क्राउड जॉजल मतलब जो भीड़ होती है वहाँ पे वो क्या हो रही होती है, जॉजल का मतलब होता है पुश रफली, धक्का मुक्की हो रही होती है वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे कितनी धक्का मुक्की होती है। फोर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, सब लोग अपने जिसमें भी उन्हें जाना होता है उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। अ स्लाइट गर्ल, अब एक लड़की की बात हो रही है, स्लाइट गर्ल मतलब होता है स्मॉल एंड थिन। आप यहाँ से देख सकते हैं वर्ड मीनिंग, स्लाइट मतलब होता है स्मॉल और थिन, पतली सी और थोड़ी छोटी सी लड़की थी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। वो क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही यंगर मतलब कम एज की लग रही थी, और वो कितने साल की थी, 17 ईयर्स की थी, पर उससे भी कम ईयर की लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ओके, सो इसमें क्या दिखाया है, वो नर्वस होती हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो नर्वस भी होती हैं जबकि वो एक्साइटेड भी होती हैं। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, क्योंकि वो क्या फील कर रही हैं, क्योंकि वो सुन तो सकती ही नहीं है बिकॉज शी इज़ डेफ, और तो वो क्या कर रही हैं, वो फेल्ट मतलब फील कर रही हैं वाइब्रेशंस। आप देखते हैं जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जब ट्रेन आ रही होती है जा रही होती है तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमें मतलब फील भी होती है और सुनाई भी देती है। तो वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है उनकी वाइब्रेशंस उन्हें सुनाई दे रही है, फील हो रही है, तो क्या करती हैं वो नर्वस होती हैं। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे, उनका पहला दिन होता है एट द प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो उनका फर्स्ट डे होता है कहाँ पर, प्रेस्टीजियस मतलब वो बहुत ज़्यादा जाना माना है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, ये नाम आप याद रखें इंपॉर्टेंट है। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मतलब होता है फ्राइटनिंग मतलब होता है डर, एफ्रेड इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और कोई भी टीनेजर हो, चाहे वो ये लड़की हो
एवलिन ग्लैनी है या कोई भी यंग टीनेजर होगा जिसकी एज कम होगी, वो थोड़ा डरा हुआ ही होगा क्योंकि वो जानी मानी इतनी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में जा रहा है, तो वो और कहाँ से थी, वो स्कॉटिश फार्म से। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। तो जैसे हमें अब पता चला कि वो क्या है, वो बहरी हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, वो डेफ हैं, ओके। और वो एस्पायरिंग मतलब होता है, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब अ पर्सन वो वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो क्या चाहता है, म्यूजिशियन बनना। वो क्या फेस कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा बिगर चैलेंजेस फेस कर रही थी बिकॉज शी इज़ डेफ। सेकेंड पैरा पढ़ते हैं हम इसका, एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। वो कैसी थी, वो शुरुआत से ही मतलब उनकी जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो शुरुआत से नहीं थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उन्होंने बताया, ग्रेजुअल मतलब होता है शुरुआत से, वो एवलिन ग्लैनी जो थी वो शुरुआत से उनकी जो पावर थी हियरिंग की वो मतलब कम नहीं थी। जब वो 8 years की थी, उनकी मम्मी, उनकी जो मदर थी, उन्होंने नोटिस करा कि एवलिन ग्लैनी जो हैं वो क्या कर रही हैं, पियानो बजा रही हैं। दे कॉल्ड हर नेम, और जब वो पियानो बजा रही थी तो उनकी मम्मी ने उन्हें आवाज़ दी एंड शी डिडंट मूव, और उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा बिकॉज उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। आई सडनली रियलाइज्ड, तो यहाँ आई का मतलब मदर है उनकी, आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। तो उनकी मदर को एकदम से ऐसा लगा कि उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबेल ग्लैनी, इजाबेल ग्लैनी कौन है, मदर है एवलिन ग्लैनी की, तो ये भी आप याद रखें, इजाबेल नाम जो है ये। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एवलिन ग्लैनी ने ये बात छुपाई, मतलब ये छुपा के रखती थी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, किससे, अपने फ्रेंड से और टीचर से। बट बाय द फर्स्ट टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेट्रियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। अब क्या हुआ, जब स्टार्टिंग हुई, जब उन 11 ईयर्स की वो हो गई, तो फिर क्या हुआ, उनके जो मार्क्स थे स्कूल में वो बहुत ज़्यादा डेट्रियोट मतलब डिक्रीज कम आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि इसे कहाँ लेकर जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास, ओके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरल इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो अब क्या हुआ, इससे पता उन्हें, उन लोगों को सबको ये पता चल गया कि जो उन जो एवलिन ग्लैनी हैं वो इम्पेयर्ड हैं, मतलब उनके जो ईयर्स हैं, मतलब इम्पेयर्ड मतलब होता है वीकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ओके। और डैमेज भी कहते हैं इम्पेयर्ड को, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल, उनके जो कान हैं वो इतने मतलब वीक क्यों हैं, बिकॉज उनकी ग्रेजुअल नर्व, जो शुरुआत की कोई एक नस है उनकी, वो डैमेज है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और उनको उनके पेरेंट्स को एडवाइस दी गई, स्पेशलिस्ट ने दी और उनके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भी एडवाइस दी कि उसे क्या करना चाहिए, एवलिन ग्लैनी को हियरिंग एड्स लगाने चाहिए, जब उस टाइम पे ईयर प्लग्स आते थे उससे सुनाई देता था, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उन्हें कौन से स्कूल भेज देना चाहिए, जो बहरों का स्कूल हो, ओके। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, और एकदम से क्या हो गया, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी हो गई, अंधेरी हो गई, सेज एवलिन, एवलिन ने कहा ये। सेकेंड, अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम अपना। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, बट एवलिन ने जब भी क्या करा, उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं करा। She was determined to lead a normal life, और वो determined थी, मतलब इस पर अड़ी हुई थी कि वो कैसी लाइफ जिएंगी, नॉर्मल लाइफ एज सब जो लोग जो हैं वो जीते हैं। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उन्हें अपना जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में और बढ़ाने लगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन उन्होंने किसी लड़की को नोटिस करा, मतलब वो सुन तो सकती नहीं थी, नोटिस करा कि वो क्या बजा रही है, एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है। ज़ाइलोफोन एक पियानो के टाइप होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका मीनिंग, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। आप देख सकते हैं गेरा ज़ाइलोफोन, यहाँ पे फोटो बना रखी है, इसे हमें स्टिक से बजाना होता है, ओके। अलग अलग साइज़ की इसमें स्टिक्स होती हैं और सब में से अलग अलग साउंड निकलती है, ओके। तो जैसे उन्होंने एक लड़की को नोटिस करा ज़ाइलोफोन बजाते हुए, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो भी उसे प्ले करेंगी, ओके। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर टीचर्स ने क्या करा, डिस्करेज करा कि नहीं, तुम नहीं बजा सकती। बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स
स्पॉटेड हर पोटेंशियल बट एक प्रिकॉशनिस्ट, प्रिकॉशनिस्ट क्या होता है, अ पर्सन, यहाँ देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड पे, अ पर्सन वो प्लेज द ड्रम द तबला एट्सेट्रा। प्रिकॉशनिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान, जो व्यक्ति प्ले करता है तबला, ड्रम, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशनिस्ट। ओके, जिसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर होता है। रॉन फर्ब, यहाँ पे एक कैरेक्टर और आए हैं, रॉन फर्ब्स स्पॉटेड है, उनकी उन्होंने एक रुचि देखी रॉन फर्ब ने कि ये डेफ होकर भी इतनी पोटेंशियल दिखा रही है, इतना करेज दिखा रही है, पोटेंशियल मतलब भी करेज होता है, इतना साहस दिखा रही है कि इसे ज़ाइलोफोन बजाना है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने दो लार्ज ड्रम्स लिए और उसे डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में बनाने लगे। ये जो लैंग्वेज है नोट्स, ये सब म्यूजिक की लैंग्वेज होती है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। अब क्या करा रॉन फॉर्ब्स ने, कहा एवलिन से कि इसे अपने कानों से मत सुनना, म्यूजिक को जब मैं बजा रहा हूँ ड्रम, इसे कैसे सुनना, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, इसे अपने सेंस से, अपने फील करो इसको, सेज एवलिन। ओके, अब एवलिन ने कहा कि वो अपने सेंस से सुनेगी। ओके, तो उससे पहले फॉर्ब्स ने क्या कहा, रॉन फॉर्ब्स ने कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इसे ईयर से मत सुना, बिकॉज शी इज डेफ। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। उसके बाद एकदम से एवलिन को लगा, उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो हायर ड्रम की उन्हें आवाज़, मतलब उन्हें गूंज सुनाई दे रही है, मतलब एक वाइब्रेशन होती है ना वो, फ्रॉम द वेस्ट अप, ऊपर से, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो छोटा ड्रम था, उन्होंने बताया ना कि रॉन फॉर्म्स क्या बजा रहे थे, दो डिफरेंट टाइप के नोट्स में बजा रहे थे लार्ज ड्रम, तो उन्हें दोनों की सुनाई दे रही थी, एक वेस्ट अप से और एक वेस्ट डाउन से। ओके, फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब क्या करा फॉर्ब, उसे बार बार बजाते रहे, रिपीट करते रहे उन्हीं नोट्स को। And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो थोड़ी देर ही बाद क्या हुआ कि एकदम से Evelyn को ऐसा महसूस हुआ कि वो सारे जो वो बजा रहे हैं मिस्टर फॉर्ब्स जो हैं नोट्स, वो सब उन्हें उनको सुनाई दे रहे हैं, मतलब फील हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, मतलब कोई उनको वाइब्रेट हो रहा है उनके हाथ पे, कोई उनके पैर पे, तो उन्हें मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी से सुनाई दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नोट्स। ओके, I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. तो इस पर एवलिन कहती हैं, इसमें जो जितने भी आई यूज़ होंगे वो सब एवलिन ही कह रही हैं। ओके, तो वो कहती हैं कि मैंने लर्न कर लिया था कि मैं अपने कैसे माइंड को एकदम से खोलूँ जैसे ही म्यूज़िक बजे, और अपनी बॉडी और माइंड और बॉडी को खोलूँ जैसे ही म्यूज़िक बजता है, और उनकी वाइब्रेशंस को मैं सुन समझने लगती हूँ। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो क्या हुआ, शेयर मीन्स होता है एब्सोल्यूट, मतलब कम्प्लीटली उनका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क रहा है अपनी म्यूजिक की तरफ जो वो चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फोर्थ पैराग्राफ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ओके, उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब उन्हें फील हो गया कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वाइब्रेशन को फील कर सकती है म्यूजिक के, तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ती चली गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने क्या करा, वो यूनाइटेड किंगडम लंदन गई, किसके साथ, यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब वहाँ पे सब टीनेजर्स और मतलब जवान लोग मतलब परफॉर्मेंस करते हैं ऑर्केस्ट्रा की, ठीक है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस टाइम पे वो कितने साल की थी, 16 ईयर्स की। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो अपनी लाइफ म्यूजिक को ही जिंदगी बना लेंगी। शी ऑडिशन, ऑडिशन मतलब क्या होता है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ। तो वो अपना परफॉर्मेंस देती हैं, ऑडिशन करती हैं फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, देती हैं अपना ऑडिशन एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करती हैं, जो वो हिस्ट्री बना देती हैं उस अकेडमी की, कि मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने ही अब तक मार्क्स स्कोर करे हैं। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो ऑर्केस्ट्रल मतलब ऑर्केस्ट्रल वर्क होता है जो ग्रुप में हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस, अकेले ही सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स, उसके बाद जब उनका 3 साल का जो कोर्स था वो एंड पे हो गया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उन्होंने क्या लिए, बहुत सारे
अच्छे म्यूजिक में अवार्ड्स उन्हें मिले। फिफ्थ पैराग्राफ, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। ठीक है, और कभी भी एवलिन ने अपने आप को ऐसा नहीं समझा कि वो थोड़ी डिफरेंट है या डेफ है, उन्होंने अपने आप को हमेशा नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करा। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो एवलिन कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम वहाँ तक पहुँच जाते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ गई, वो सीधा ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक तरह से सब लोगों के लिए मोटिवेशन बन गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट, और वो मल्टी प्रिकॉशनिस्ट बन गई। उन्होंने ज़ाइलोफोन उन्हें बजाना आता था और पियानो भी उन्हें बहुत अच्छे से बजाना आता था। एंड विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने किस मतलब कितने में मास्टरी करी है, मतलब मास्टर्स करी है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाने में, सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत ज़्यादा। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उन्हें हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल भी आता था। ओके, सो हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल वो होता है जो मतलब किसी नॉर्मल मतलब डेफ को तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट वो डेफ थी और फिर भी उनको ये सब मिला, तो इट इज़ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग, तो इंट्रीग्यूइंग मतलब होता है फैसिनेटिंग और क्यूरियस, अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, कि एवलिन को हम फंक्शन करते हुए देखते थे बिकॉज विदाउट हियरिंग, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाती थी। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और जब मतलब वो दो घंटे का या कितने भी घंटे का वो फंक्शन होता था तो वो एक भी वर्ड मिस नहीं करती थी, वो बिल्कुल करेक्टली परफेक्टली उसे परफॉर्म करती थी। मैन विद बुशी बियर्ड बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, ये मतलब उनके टॉपिक था जिसपे वो म्यूजिक कर बजा रही थी या जो भी उनका होगा। शी लाफ्ड, और वो हंस के बजाती हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ एवलिन ग्लैनी, एंड उसके नीचे भी एक लाइन दे रखी है, इट इज़ इंट्रीग्यूइंग मतलब ये अट्रैक्टिव होता था टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि वो बिना सुने ही अपना जो फंक्शन था वो करती थी और जो उन्हीं को सुनाई ना दे रहा हो, तो ये कितना अट्रैक्टिव और क्यूरियस लगता होगा लोगों को देखने में। दिस इज़ पेज नंबर 19। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइस, और ये सिर्फ ये नहीं था कि जो लोग वहाँ पर बैठे उन्हें देखते थे वो सिर्फ उनके लिप्स को देख रहे हैं कि वो मतलब कैसे खेल रहे हैं या क्या वो बोल रही हैं लिप्स से, इट्स द होल फेस, उनका पूरा चेहरा देखते थे लोग, स्पेशली द आइस, क्यों आइस को देखते थे। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, ओके, स्कॉटिश लिल्ट मतलब होता है, आप देख सकते हैं लिल्ट का अ वे ऑफ स्पीकिंग, कि वो किस तरीके के बोलती थी, बहुत ही उनका जो यूनिक तरीका था बोलने का उससे वो बोलती थी फ्लॉलेसली, और हमने अभी पढ़ा फ्लॉलेसली, वो फ्लॉलेसली स्पीक करती थी, तो फ्लॉलेसली मतलब क्या होता है, विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, मतलब बिना ही किसी मिस्टेक के और फॉल्ट के, गलती के बिना ही। ओके, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, तो वो कहती हैं कि मेरी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है जब मैं बोलती हूँ या मैं गाती हूँ, बिकॉज वो जब से प्रैक्टिस कर रही हैं और सुन रही हैं जब से वो 11 ईयर्स की हैं। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कहना, और उन्होंने कैसे मैनेज करा लर्न करना फ्रेंच, मतलब उन्होंने इंग्लिश तो मतलब उनकी वहाँ की मदर टंग थी, उन्हें आती थी, बट उन्होंने ऐसे ही डेफ में भी लर्न करी फ्रेंच और बेसिक मास्टर करी किसमें, बेसिक जैपनीज में लैंग्वेज में, तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही रखा, उन्होंने अपने आप को फ्रेंच में भी सॉन्ग्स उन्होंने सिंग करे और क्या करा, बेसिक मास्टर जैपनीज में उन्होंने करी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, वो कहती है म्यूज़िक के लिए इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो वो कहती हैं कि म्यूज़िक मेरी सारे पार्ट ऑफ बॉडी में भरा हुआ है। एंड इट टिंगल्स, टिंगल्स मतलब क्या होता है, कॉज आ स्लाइट प्रिकिंग स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब एक उनके अंदर एक अलग सी जैसी वो वाइस फील करती है म्यूज़िक को, उनके अंदर एक सेंसेशन आ जाती है इन द स्किन, उनकी स्किन में, माई चीक बोन्स एंड इवन, चीक बोन्स क्या होती हैं, जो गालों की हड्डी होती है, एंड इवन इन माई हेयर, बालों में भी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone बजाती हैं तो वो sense मतलब कैसे feel करती हैं sound को xylophone की, क्योंकि वो stick में से पास होकर उनके finger में आता है। मैंने बताया था कि xylophone हम
फिंगर से बजा मतलब स्टिक से बजाते तो उनकी जब वो फिंगर टिप्स में उनकी जो वो साउंड है वो फील होने लगती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, लीनिंग मतलब होता है आसपास, जब वो आसपास होती थी ड्रम के, शी कैन फील द रेजोनेंस, रेजोनेंस मीन्स होता है इकोज ऑफ साउंड्स, वाइब्रेशन ऑफ साउंड्स, ओके, फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। तो उन्हें ऐसा फील होता था कि जो वाइब्रेशन है ड्रम के आवाज़ की वो कहाँ मतलब फ्लोइंग मतलब उनकी कहाँ आ रही है, बॉडी तक फ्लो हो रही है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी तो शी रिमूव्स हर शूज़, वो शूज़ रिमूव कर देती थी सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रो हर बेयर फीट, तो जिससे क्या वो वाइब्रेशंस जो हैं वो पास हो उनके नंगे पैरों पे से एंड अप हर लेंग्स लेग्स के ऊपर तक आती रहें वाइब्रेशंस साउंड की। सो नाउ दिस इज पेज नंबर 20 और ये हमारा 8 पैराग्राफ चल रहा है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, तो क्या होता था, अब ये सरप्राइज नहीं था कि ऑडियंस उससे ज़्यादा खुश होने लगे थे। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द, अब 1991 में क्या हुआ, उन्हें प्रेजेंट मतलब अवार्ड करा गया क्या, द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये क्वेश्चन में आंसर पूछा भी जाता है कि 1991 में उनको कौन सा अवार्ड मिला, या फिर ये नाम दे देंगे अवार्ड का कि कौन से ईयर में उनको मिला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स प्लेट्स, तो यहाँ पे मास्टर प्रिकॉशनिस्ट हैं कौन, जेम्स प्लेट्स, हमें याद रखना है नाम, मास्टर प्रिकॉशनिस्ट कौन है, जेम्स प्लेट्स, ओके। उन्होंने क्या कहा जब वो अवार्ड दे रहे थे एवलिन को, तो कहा उन्होंने, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट He has given her back something extraordinary. तो वो कहते हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी अभी पढ़ा था जब वो रीडर के लिए नोट था, कि गॉड ने चाहे उनकी क्या हियरिंग पावर ले ली हो बट उन्होंने क्या दिया है उसको वापस में, उन्होंने उन्हें क्या दिया, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वो समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या था, वॉट वी हियर मतलब हम जो भी सुनते हैं, शी फील्स, हम तो सुनते हैं बिकॉज हम नॉर्मल हैं बट वो डेफ हैं तो उन्हें क्या वो फील करती हैं उस चीज़ को, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और वो उसे बहुत ज़्यादा डीपली फील करती हैं हमसे ज़्यादा, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो एक्सप्रेस करती है म्यूजिक को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली, ओके। अब 9th पैराग्राफ पढ़ते हैं हम, एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, के उन्होंने अपने आप को क्या बताया एवलिन ग्लैनी ने, कि वो वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक क्या होता है, इनफॉर्मल एक वर्ड है ये, अ पर्सन वो फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जिसे बहुत ज़्यादा इंसान जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आदत होती है काम करने की और उसे बंद ना कर पाए, उसे रोज़ रोज़ इतना ही काम करने की आदत है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्कहॉलिक, ओके। आई जस्ट गॉट टू वर्क, बस क्या कहती हैं कि मुझे बस काम करना ही पसंद है और आता है, ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशंस, और ये ज़्यादा हार्ड है किससे, क्लासिकल म्यूजिशन से, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, उन्होंने क्या कहा, रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा क्या देते हैं हमें, एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब एक मोटिवेशन वाली फीलिंग देते हैं कि हम और काम करें जिससे हमें और रिवॉर्ड्स मिले, लोगों में भी हम मतलब लोगों की भी चर्चा हो फिर हमारे लिए, सो इन चीज़ों के लिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलग वो क्या करती थी, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती थी उसके बावजूद वो क्या करती थी एवलिन, फ्री कॉन्सर्ट करती थी प्रिजन्स में, जेल में जाकर, क्यों, वो जो वहाँ पे जेल में जो लोग होते हैं उनके लिए और हॉस्पिटल्स में जाके। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस, और वो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसे देती थी, प्रियोरिटी मतलब था ग्रेट इम्पोर्टेंस, हाँ किसे महत्व देती थी वो, क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस, किसे देती थी वो क्लासेस, यंग म्यूजिशंस को, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज। तो अब क्या हुआ, एक एन रिचलिन है, वो कौन है, वो एन रिचलिन एक फंड के वो हैं, क्या कहते हैं, हेड हैं फंड के, बेथोवन फंड के नाम से डेफ चिल्ड्रन के लिए होता है। तो उन्होंने क्या कहा एन रिचलिन ने, शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो क्या है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन, ओके। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो कहते हैं साथ में एन रिचलिन जो होते हैं कि वो अब कहीं भी जा सकती हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो एवलिन ना जा सके।
अब टेंथ पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है। एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो अब क्या है, एवलिन ने अपनी सबसे ज़्यादा उन्होंने पॉपुलर हो गई हैं, अपने भी उनके जो एज से भी डबल लोग हैं वो भी इतने पॉपुलर नहीं हैं एज, बिकॉज वो नॉर्मल भी हैं बट वो इतने पॉपुलर नहीं हैं जितने एवलिन हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकशन फॉर द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो अब क्या करने, वो क्या करती थी, शी हैज़ ब्रॉट, वो प्रिकॉशन लाती थी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाती थी ऑर्केस्ट्रा के सामने और डेमॉन्स्ट्रेट मतलब उन्हें बजाना, एग्जाम्पल के तौर पर बजाना शुरू करती थी और वो दिखाती थी कि ये मूव कर सकता है, इनका जो साउंड है वो वाइब्रेट होकर मेरी बॉडी के अंदर जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और मैं इसको फील कर सकती हूँ। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू थोज वो आर हैंडीकैप्ड। और वो क्या करती थी, इंस्पिरेशन देती थी जो लोग हैंडीकैप्ड होते थे, हैंडीकैप्ड मतलब जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, जो कोई डेफ होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई गुंगा होता है, तो उन सबको वो क्या देती थी, इंस्पिरेशन करती देती थी। पीपल वुड लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो अब पीपल उन्हें देखते थे और कहते थे कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट, She has given enormous pleasure to millions। और उन्होंने क्या करा है, at last में उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा pleasure और दिया है millions को, मतलब happiness, खुशी दी है, motivation दी है, inspiration दी है लोगों को, okay? सिर्फ handicap को ही नहीं, जो लोग होते हैं उनको भी दी है। तो ये जो उनकी एक short biography है, ये किसने दी है हमें, Deborah Covle ने, okay? हम ये नाम याद रखना है कि ये author हैं इस story के जो part वन है। अब ये हमारा चैप्टर, इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड वीडियो की सेकंड वाली वीडियो में आएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें उसे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।